किसने कहा आत्मा नहीं होती है? बस अंक, अभी आत्मा शुरू हो जाएगी। मजाक लगता है तुमको? आत्माओं का भटकना मजाक लगता है तुमको? मरना मजाक लगता है तुमको? तुम्हें क्या पता मरना क्या होता है? तुम्हें क्या पता भटकना क्या होता है? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। गलत आदमी से पंगा लिया है तुमने, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भाग चूहे, भाग 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 गया चूहा। मेरी बहादुरी के किस्से किसी ने नहीं सुने, लेकिन मैं बहुत खतरनाक हूँ। तू फिर आ गया चूहे, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, जागते रहो, भाग चूहे भाग। पता नहीं ये रात क्यों आती है, और आती है तो इतनी काली क्यों होती है? कब कहां से कौन आ जाए पता नहीं। एक तो ये काली रात और ऊपर से ये मनहूस कुत्ते, रोज रात को ऑर्केस्ट्रा शुरू। आओ, खुद भी नहीं सोते, मुझे भी सोने नहीं देते। पूरी दुनिया सो गई, लेकिन इन कुत्तों को, मुझको और इन चूहों को, तीनों की आत्माओं को चैन नहीं। तू फिर आ गया चूहे, जागते रहो, चूहों के पीछे भागते रहो, जागते। ये कौन है? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर कौन है रे? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लगता है हिंदी नहीं आती। Who you madam? What doing अकेले in night? No light. What do अगर कुत्ता bite? कहीं आत्मा तो नहीं? मैं रास्ता भटक। अरे मैडम, ये कोई टाइम है रास्ता भटकने का? कब्रिस्तान कहाँ है? हाँ? मेरा घर कब्रिस्तान के पास में है। तो फिर घर जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? भटक रही, पता नहीं कब से बहुत प्यास लगी है। कुछ पीने को मिलेगा? मेरे पास कुछ नहीं है। खून भी नहीं है। हाँ? बहुत प्यास लगी है, मुझे खून दो, मुझे थोड़ा सा खून दो, खून दो मुझे, मुझे खून दो। मर चुकी हूँ मैं। किसने कहा आत्मा नहीं होती है? बस अंक, अभी आत्मा शुरू हो जाएगी। मजाक लगता है तुमको? आत्माओं का भटकना मजाक लगता है तुमको? मरना मजाक लगता है तुमको? तुम्हें क्या पता मरना क्या होता है? तुम्हें क्या पता भटकना क्या होता है? देख रही हो ये गोली का जख्म? इतना गहरा है कि मेरे मौत के बाद भी नहीं मिटा। बहुत प्यास लग रही थी ना तुम्हें?
मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी। मेरे ऑनेस्टली रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूछना चाहूँगी विवेक आपसे, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? नहीं, आप दोनों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत डिफ़िकल्ट एक्टिंग थी, बहुत मुश्किल एक्ट था, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया आप दोनों। लेकिन ये जो थीम है, ये जो भूत प्रेत आत्मा ये सारी जो बातें हैं, ये यू वांट वाटर? सॉरी, कैन वी प्लीज गिव हिम वाटर? एक मिनट, नहीं मैं पानी दूंगा। माय आईज आर वाटरिंग, आई विल जस्ट कम। आप लोग बात करो, मैं अरे बैठ ना, कहां जा रहे? एक मिनट में। मैं पूछना चाहूंगी दादा आपसे, आपको कैसा लगा है परफॉर्मेंस? सयूरी राहुल बेटा फैंटास्टिक, टेरिफिक, टॉप क्लास अभिनय किया आप दोनों ने। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, वेरी नाइस। एंड इतना मजा आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर एपिसोड में हम देख रहे हैं कि आप लोग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, और इतने इंप्रूव नहीं कर रहे, इतना इंप्रूव कर रहे हैं, और जब तक फाइनल जाएंगे तब तक क्या होगा, मतलब कमाल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, कोई त्रुटि नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था। थैंक यू सर। रानित क्या हुआ, क्यों रो रहे थे? मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राहुल और सैरी भूत है। वापस दिखा राहुल, गर्दन गर्दन नीचे करके दिखा इसको, वापस दिखा, देख कैसे करेगा, देख। सोनाली जी आपको कैसा लगा राहुल और सयूरी का ये एक्ट? डरावना, वेल दैट्स टिपिकल आंसर, बट हाँ डरावना जरूर था आपका एक्ट, बहुत अच्छा था। राहुल मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आज का ये एक्ट। मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात कहना चाहती हूँ, लास्ट वीक आपका जो एक्ट था उसने मुझे उतना इम्प्रेस नहीं किया था, इस हफ्ते आपने जो किया है दैट वॉज अमेजिंग। ओके, मुझे कहीं लग रहा था कि ये ट्विस्ट तो नहीं होगा स्टोरी में, फिर भी आपने जिस तरह से उसको इनैक्ट किया, वो एंड तक आपने सस्पेंस रखा उस बात को, एंड इसीलिए मुझे आपका वो स्लाइटली जो सटल एक्टिंग था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सयूरी अगेन इस हफ्ते में मुझे ज़्यादा खिल के नज़र आई हो आप, बहुत अच्छा लगा आपका, बट वेरी इम्प्रेस्ड विद राहुल। विवेक आर यू ओके? हाँ, मैं एक्चुअली मैं शूटिंग कर रहा था डरना मना है कि कब्रिस्तान में, तो उस समय जो सारी यूनिट थी, लेकिन यूनिट बाहर थी कब्रिस्तान की, और मुझे अंदर भेजा गया था कब्रिस्तान के अंदर परफॉर्म करने के लिए, तो मैं उस समय थोड़ा सा यू नो जैसे हम करते हैं मस्ती मजाक करते हैं भूत वगैरह के बारे में, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कर रहा था। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा बुरा अनुभव हुआ, जब से मैं ये बात मानता हूँ कि जो भूत होता है ना बेटा, वो होता है, आत्माएं होती हैं, और ये कभी भी कहीं भी किसी में भी आ सकते। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तुम लोग क्या सोचते हो, सिर्फ तुम लोग ही मुझे डरा सकते हो? मैं तुम लोग को नहीं डरा सकता। सबसे बड़े ड्रामेबाज के लिए यहाँ पे ड्रामेदार तालियां। सॉरी पेरेंट्स, आपको और आपके बच्चों को थोड़ा डराया, मस्ती की। बच्चे की हर एक्ट को फील करने वाले हमारे सेंसिटिव जज विवेक, आज आपने खुद हमारे बच्चों को रुलाया, वेरी बैड। सॉरी 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 यार, माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये हमें इतना डराते रहते हैं, हमारे साथ इतनी मस्ती करते रहते हैं, तो कभी कभी प्यार में मस्ती में ऐसे डरा दिया तो चलता है यार, चलता है, समझे?
अब एक्ट के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। बहुत 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 अच्छा लगा, दोनों के परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे थे। राहुल आपने इतना अच्छा किया, कॉमिक से लेके फिर डरावना वो पूरा पोर्शन जो आपने किया बहुत बढ़िया लगा। Who you madam? What doing अकेले in night? और सयूरी आप तो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस में थी आज। आई रियली लव्ड योर ग्राफ, आपने मुझे काफी डराया। मैंने आपको थोड़ा डराया लेकिन आपने मुझे भी काफी डराया। चुन चुन के बदला लिया है। वेरी गुड, सुपर्ब। अब हम जानना चाहेंगे हमारे स्कोर्स हमारे जजेस से। दादा शुरू करेंगे आपसे। और विवेक, और विवेक के लिए 20। थैंक यू। 27.5 out of 30, दैट इज वेरी 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 नाइस। द्राविड़ा तालियां राहुल और सयूरी के लिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।